बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीबडी इज़ सेफ़ एंड फाइन एट होम। मेरा नाम कोमल है और आज हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स 2। हमारा कोर्स कोड है मैथ 404 और ये बीएससी मैथ 4 सेमेस्टर का कोर्स है। इससे पहले थर्ड सेमेस्टर में हम मैकेनिक्स 1 पढ़ चुके हैं, उसका भी मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूँगी कि मैकेनिक्स में है क्या। मैकेनिक्स बेसिकली फिज़िक्स जैसी है, लेकिन फिज़िक्स को जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो दिस इज़ वॉट कॉल, दिस इज़ मैथमेटिक्स, दिस इज़ मैकेनिक्स। ठीक है, फिज़िक्स को जब हम मैकेनिक्स मैथ की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह से हम मैकेनिक्स को पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है काइनेमेटिक्स। आपकी जो टेक्स्ट बुक है ये है क्यूके घौरी की, उसका उस वहाँ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ और वहाँ से आपका चैप्टर 7 होगा। चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स का हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि काइनेमेटिक्स क्या होती है और इसके चैप्टर में क्या है। आज का लेक्चर जो है वो बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही है, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा आपके इस चैप्टर से। और ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके मार्क्स के हवाले से, आपके एग्ज़ाम के हवाले से। वैसे तो ये काफ़ी शॉर्ट चैप्टर है, लेकिन इसका हर जो सवाल है वो तकरीबन तमाम सवाल एक ही अहमियत के हामिल है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि काइनेमेटिक्स में क्या है या काइनेमेटिक्स होता क्या है। तो काइनेमेटिक्स आपके पास है मोशन ऑफ अ बॉडी विदआउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स इज़ कॉल्ड काइनेमेटिक्स। किसी भी बॉडी की मोशन विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स, यानी कि जो बॉडी है वो मूव तो कर रही है लेकिन उस पर कोई फोर्स को हम जिक्र नहीं करेंगे कि उस पर फोर्स क्या लग रही है, कौन सी फोर्स से वो मूव कर रही है, किसी भी फोर्स का हम रेफरेंस नहीं देंगे। बाकी उसकी सारी मोशन को डिस्कस करेंगे, उसकी स्पीड को, उसकी टाइम को, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरे चैप्टर में जो आपने स्टूडेंट्स पढ़ना है वो है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी से पहले आप पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ ये तीन चीज़ें हैं जो आपने पढ़नी है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का आपको जनरल सा आइडिया तो होगा ही सही, आपने अपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी भी बॉडी का शॉर्ट टाइम इंटरवल में मूव करना और पोजिशन को चेंज करना। और इसके बाद वेलोसिटी क्या होती है, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो वो वेलोसिटी होगी, जब वेलोसिटी चेंज होगी तो वो क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो ये तीन ही बातें हैं बेसिकली, तो दो ही ज़्यादा अहम हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पूरे चैप्टर में हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो उनको डिस्कस करने से पहले, उनके फॉर्मूलाज वगैरह या क्वेश्चन, हम पहले इसका एक जर्नल सा जो रिलेशन है वो ड्राइव कर लेते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है क्या। एक और बात जो मैं आपको बताती चलूँ वो ये है कि इस चैप्टर में जो हम डायमेंशन पढ़ेंगे वो सिर्फ टू डायमेंशनल सिस्टम होगा। टू डायमेंशनल सिस्टम का आपको पता है, टू डायमेंशनल सिस्टम में आपका क्या होगा, सिर्फ एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस होगा। ये आपका स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस है और ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस। इसी को हम सिर्फ डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर में, टू डायमेंशन ही। तो हम रिलेशन निकालने जा रहे हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, उसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, हम एक टू डायमेंशनल सिस्टम में एक ट्रेजेक्ट्री बना लेते हैं। ट्रेजेक्ट्री आपको पता है कोई भी सर्कुलर पाथ है, तो वो मैंने ड्रॉ कर ली है आपके टू डायमेंशनल सिस्टम में। और जैसे जैसे हमने प्रोसेस करना है वैसे वैसे वही लाइन्स क्या है आपने यहाँ पर लिखते जानी है। इसको मैं नाम दे देती हूँ इस ट्रेजेक्ट्री को ए और बी का, तो यही बात मैंने लिखती हुई है, आपने भी नोट डाउन करनी है। लेट ए बी द पाथ ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम टी। एक ट्रेजेक्ट्री बना ली है, एक पाथ, और उसके ऊपर हम कोई भी पार्टिकल है वो बना लेते हैं। आपका पार्टिकल इस ट्रेजेक्ट्री पे सपोज यहाँ पड़ा हुआ है, कहीं भी बना लें, रैंडम है। यहाँ पर आपका पार्टिकल पी पड़ा हुआ है और इसकी जो पोजीशन है वो कहाँ पर होगी, ये आपका ओरिजिन है टू डायमेंशनल सिस्टम में, और ये पार्टिकल पी की पोजीशन इस ओरिजिन से हम ड्रॉ कर लेते हैं। और इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, पोजीशन को, पोजीशन वेक्टर आर से। और यही बात आगे मैंने लिखती है, लेट एट टाइम टी द पार्टिकल इज एट पॉइंट पी।
किसी भी टाइम टी पर जो पार्टिकल है वो इस ट्रैजेक्टरी पर यहाँ पर मूव कर रहा है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर आर, और उसकी पोजीशन इस पाथ में क्या है, आर है, उसको हमने आर से डिनोट कर दिया है। ये सारी बातें लिखते भी जा रहे हैं साथ हम। सपोज अभी ये टाइम टी पर था तो यहाँ पे पड़ा हुआ था, अब सपोज इसने मूव करके जाना है, मूव इसने इसी ट्रैजेक्टरी के ऊपर करना है, ठीक है। ये यहाँ से मूव करता हुआ अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पड़ा था, अभी सपोज कुछ टाइम टी के बाद आफ्टर अ स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, थोड़े से टाइम के बाद ये पार्टिकल पी ने क्या करना है, ये पार्टिकल पी मूव करके किसी और नई पोजीशन पे चला जाएगा। तो चले उस पोजीशन को हम नाम दे लेते हैं पोजीशन क्यू का, और ये कुछ टाइम के बाद वहाँ मूव करके गया है। अच्छा आगे हमने लिख भी लिया है, लेट द पार्टिकल एट पॉइंट क्यू विद अ चेंज इन पोजीशन एट पोजीशन वेक्टर आर प्लस डेल्टा आर। अब इसकी पोजीशन ओरिजिन के लिहाज से हमने डिसाइड करनी है कि वो क्या बनती है, तो वो क्या होगी, आर प्लस डेल्टा आर, क्योंकि हम शॉर्ट इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी मूव करके गए हैं इस पॉइंट क्यू तक, ठीक है। तो पोजीशन में भी थोड़ा सा चेंज आया है, और उस थोड़े से चेंज को हमने कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर डेल्टा आर की फॉर्म में। पहले पोजीशन आर थी, अब उस थोड़े से चेंज के बाद क्योंकि पार्टिकल यहाँ पड़ा हुआ है तो आपकी पोजीशन क्या हो गई है, आर में वो थोड़ा सा स्लाइड चेंज क्या हो गया है, ऐड हो गया है आर प्लस डेल्टा आर। अब क्यू उस पार्टिकल की न्यू पोजीशन है, और ये रहा आपका पी और क्यू का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको हम डिस्प्लेसमेंट का भी नाम देते हैं। अब पी और क्यू पार्टिकल ने कहाँ से मूव किया है, पी से मूव किया है क्यू तक। हमने पी और क्यू का क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये काम हम कर किस लिए रहे हैं, ताकि पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकें पी और क्यू का। जब डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा तो डिस्प्लेसमेंट से हमने क्या निकालना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी निकल आएगी तो वेलोसिटी से क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो P और Q का स्टूडेंट्स अब हमने निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है यहाँ पर हमने किया OP, OP की पोजीशन क्या थी, पोजीशन वेक्टर R, ये आपकी पोजीशन थी। उसके बाद OQ, OQ की पोजीशन क्या थी, ये पॉइंट्स जो हैं ये बुक में रेफर नहीं है, ये मैं जर्नल स्टेप थोड़े से एक्सप्लेन करके कर रही हूँ। R प्लस डेल्टा आर, ओ पी ये पोजीशन थी, ओ क्यू यानी कि ओरिजिन से ये पोजीशन थी। हम क्या निकालना चाहते हैं, पी क्यू। पी क्यू का फॉर्मूला आपको पता है, पी क्यू कैसे निकलता है, ये यानी कि डिस्टेंस कैसे निकलता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ओ क्यू यानी कि इस वेक्टर में से इस वेक्टर को माइनस कर देना, ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू आपके पास क्या है, आर प्लस डेल्टा आर, R प्लस डेल्टा R, और OP आपके पास क्या है, R, और R R से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे कट मत किया करें, हम इसको सिंपली माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, PQ इज इक्वल टू डेल्टा R। अब PQ हमारे पास क्या आ गया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस P से Q तक का डेल्टा R आ गया है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, द क्वेश्चन अब जो क्वेश्चन डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी बनेगा, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द क्वेश्चन डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी इज इंस्टेंटेनियस, और एवरेज रेट ऑफ चेंज भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्या है, टाइम।
उसके बाद हमने एक बहुत मज़े का काम करना है, वो क्या करना है, हमने इसका डिस्टेंस और बहुत कम करना है। पहले ये पी से क्यू आप देख रहे हैं, हमने कोई रैंडम से पॉइंट पर ले गए थे, अब हमने क्या करना है, हालांकि हमने यहाँ पर लिखा भी था कि स्मॉल टाइम इंटरवल, कि टाइम जो है वो बहुत थोड़ा है, कम है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, हम टाइम इतना कम कर देंगे, डेल्टा टी इतना कम कर देंगे कि ये जो क्यू है पी के नियरर एंड नियरर आता जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा टी को इतना कम करते जाएंगे कि इसको ऑलमोस्ट ज़ीरो तक पहुंचा देंगे। हम यहाँ लिखेंगे, इसको करीब लाते लाते यहाँ तक कर देना है, टिल डेल्टा टी, यानी कि जो आपका टाइम इंटरवल है वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा। जब ये ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा तो फिर आपके पास जो है कि क्यू और पी का रिलेशन आप कैसे लिखेंगे, उसको भी आपने थ्योरी में बयान कर लेना है थोड़ा सा, कि क्यू और पी को हमने इतना कम किया है कि वो बिल्कुल क्लोज आ गए हैं। तो इसको आप लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी कि टाइम इंटरवल हमने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट कर दिया है, और आपके पास क्या है, डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी। आपको ये भी पता है कि ये रिलेशन किसके इक्वल होता है, अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव के ऊपर लिमिट लगाते हैं कि लिमिट अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो वो आपके पास क्या बन जाता है, एग्जैक्टली वो आपके पास कंप्लीट डेरिवेटिव बन जाता है, डी आर ओवर डी टी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, ये हमारी डेफिनेशन है वेलोसिटी की, कि डिस्प्लेसमेंट में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो ये हमारा रिलेशन निकल आया है, हमारे पास वेलोसिटी स्टूडेंट्स आ गई है, डी आर ओवर डी टी। ऐसे तो ये बहुत ही कॉमन सा फॉर्मूला है, लेकिन क्योंकि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में था तो हमें इसको थोड़ा सा ड्राइव करना पड़ा। वी इज़ इक्वल टू डी आर ओवर डी टी, ये हमारे पास वेलोसिटी का रिलेशन आ गया है। अब हमने क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, एग्जैक्टली हमारा नेक्स्ट स्टेप था एक्सेलरेशन फाइंड करना, वी हैव डन विद इट। एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन हमारे पास होती है इंस्टेंटेनियस में से बार बार ना भी बोलें तो भी ठीक है, हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट कॉल एक्सेलरेशन। अब हम इसमें चेंज फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। और चेंज कैसे फाइंड करते हैं, ऑफकोर्स हमें चेंज फाइंड करने के लिए इतना लंबा चौड़ा फिर से प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। चेंज हमारे पास क्या होता है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इज व्हाट कॉल्ड चेंज। तो हमने सिर्फ डेरिवेटिव लेना है वेलोसिटी का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो यही काम मैं करने जा रही हूँ, आपके पास है, आप इस रिलेशन का डेरिवेटिव लेंगे, ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही लेंगे। अगेन इसका मैं डेरिवेटिव ले रही हूँ वेलोसिटी वाले फैक्टर का, और इधर भी मैंने डेरिवेटिव लेना है, दोनों साइडों पे डेरिवेटिव अप्लाई कर रही हूँ, और इसको भी हम लिख लेते हैं। ये आपके पास क्या आ गया है, डी आर ओवर डी टी, डी वी ओवर डी टी। वेलोसिटी का जो चेंज है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ऑब्वियसली ये आपके पास आ जाएगा एक्सेलरेशन, और डेरिवेटिव के ऊपर एक और डेरिवेटिव लगाया है तो वो क्या आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव, ये आपके पास आ जाएगा डी स्क्वायर आर, ये आर है, ओवर डी टी स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन का भी रिलेशन आ गया है और ये वेलोसिटी का भी एक्सेलरेशन आ गया है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बाद, हमारा है कार्टियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टियन कंपोनेंट्स जो है, यानी कि एक्स और वाई सिस्टम में हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और जो हमारा पोजीशन वेक्टर है उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो उसको हम लिख लेते हैं, ये छोटी सी बात है, ये कंपोनेंट्स ऑफ, बल्कि आप लिखें कार्टियन कंपोनेंट्स ऑफ, कार्टियन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। कार्टियन कंपोनेंट्स, आपको कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोगों को पता है कि कौन सा होता है, हमारे पास एक्स वाई सिस्टम होता है, एक्स वाई जी सिस्टम होता है अगर हम थ्री डायमेंशनल की बात करें, लेकिन टू डायमेंशनल में हमारे पास ये क्या है, एक्स वाई।
तो उसमें पोजीशन वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं? पोजीशन वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कंपोनेंट्स में हम ऐसे डिनोट करते हैं, आर इज इक्वल टू एक्स आई, यूनिट वेक्टर एक्सिस के साथ ये यूज़ होता है, और वाई के साथ आपको पता है जे। अगर ये थ्री डायमेंशनल सिस्टम होता तो फिर क्या आता एग्जैक्टली? फिर आपको पता था जी, और साथ यूनिट वेक्टर कौन सा आता? के। आर इज इक्वल टू आपके पास ये आ गया है, और अब आपने क्या निकालने हैं? वेलोसिटी का कार्टेशियन कंपोनेंट, तो वो कैसे निकालेंगे? ऑफकोर्स इसका एक डेरिवेटिव ले लेंगे, डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू, इधर भी हमें डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा, पहले मैं बाहर ही अप्लाई कर देती हूँ, एक्स आई वाई जे, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये आपका स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी आई और डी वाई ओवर डी टी जे, और ये आपका आ गया डी आर ओवर डी टी। तो ये आपके पास डी एक्स ओवर डी टी क्या है? वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, और डी वाई ओवर डी टी आपके पास क्या है? वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। इसको बल्कि मैं आपको अलग से लिख भी देती हूँ, आप लिखेंगे हेंस एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये आपके पास वेलोसिटी आ गई है आर में चेंज, इसको हम लिख भी लेते हैं वेलोसिटी है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपके पास कौन सा है? वो जो आई यूनिट वेक्टर के साथ पड़ा है, ठीक है। और उसके बाद सिमिलरली आप लिखेंगे वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो आपके पास कौन सा है? एक्स कंपोनेंट को मैं लिख रही हूँ कि आपके पास है डी एक्स ओवर डी टी, वाई कंपोनेंट आपके पास क्या है? डी वाई ओवर डी टी। वेलोसिटी के हमने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकाल लिए। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, एक्सेलरेशन का भी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकाल लेना है। उसके लिए आपको अब तक आइडिया हो गया होगा कि अब क्या करना है। अब हमने ऑब्वियसली वेलोसिटी का इस वेक्टर का एक डेरिवेटिव लेना है, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आ जाएगा, फिर इसका एक डेरिवेटिव लेंगे तो वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आ जाएगा। वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ, वो आपका कैसे होगा, हमें यहीं से कंटिन्यू करती हूँ, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो आपका वेलोसिटी का डेरिवेटिव यानी कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी कि वेलोसिटी का डेरिवेटिव क्या आएगा, इसके डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर आई कंपोनेंट प्लस इसका भी डबल डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर जे कंपोनेंट, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, और वापस यही बात हम एक्सेलरेशन के लिए भी रिपीट करने वाले हैं। आप लिखेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ, पहले वेलोसिटी था, अब क्या है एक्सेलरेशन, उसके बाद y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, हेंस लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज, ये आपके पास क्या आ गए हैं, डबल डेरिवेटिव आ गया है डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, और ये आपके पास क्या आ गया है y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। इसको हम थोड़ा सा यहाँ करके लिख लेते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या याद रखना है, सबसे पहले तो आपने वेलोसिटी के रिलेशंस याद रखने हैं, और इसमें कोई ज़्यादा अहम बात नहीं है, ये सिर्फ आपको काइनेमेटिक्स से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मैं बार बार वेलोसिटी एक्सेलरेशन करी जा रही हूँ। और आपको क्या रिकॉल करवाने का मकसद था, डेरिवेटिव चेंजेस, ये आपने पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, पोजीशन वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, पोजीशन वेक्टर का सेकंड डेरिवेटिव। अब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, वो भी मैं आपको अभी असाइन कर दूंगी कि वो कौन कौन से हैं। अच्छा, उन क्वेश्चंस का थीम क्या होगा, उन क्वेश्चंस में बेसिकली ये होगा कि आपको पोजीशन वेक्टर आर गिवन होगा, ठीक है, पोजीशन वेक्टर आर गिवन होगा, और आपको कहा गया होगा कि इसकी वेलोसिटी फाइंड करें, इसका एक्सेलरेशन फाइंड करें, तो आपने क्या करना है, उस पोजीशन वेक्टर पे फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास क्या आ जाएगा वेलोसिटी, फिर आप उस पोजीशन वेक्टर पे एक और डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं इसी के रिलेटेड। ये आपकी बुक है जो मैंने आपको बताई है, क्यूके घोड़ी की इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। इसके मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस अभी असाइन कर देती हूँ, या बल्कि एक दो क्वेश्चंस जो हैं हम डिस्कस भी कर लेते हैं कि क्या करना है। वही बात जो मैं भी बता रही थी कि पोजिशन वेक्टर आर लेंगे और आपको असाइन किया जाएगा काम कि आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करनी है। तो टॉपिक तो हमारा यही रहेगा, हम सिर्फ ये एक छोटा सा पैच जो है यहाँ पर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन मैं लिख नहीं रही हूँ, क्वेश्चन की सिर्फ जो मेन स्टेटमेंट है मैं वो लिख देती हूँ, बाकी मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। बेसिकली ये एग्जांपल है, वेरी फर्स्ट एग्जांपल। आपके पास एक पोजीशन वेक्टर आर गिवन है, एग्जांपल है ये, आपके पास वेरी फर्स्ट एग्जांपल है। आपको एक पोजीशन वेक्टर आर गिवन है टी थ्री प्लस टी स्क्वायर आई कॉम्पोनेंट। अब जो ही आई यूनिट वेक्टर लगेगा तो आपको फौरन क्या रियलाइज हो जाएगा कि ये वाली चीज आपकी क्या है, एक्स है। यहाँ पर हमने जर्नल फॉर्म में लिखी थी एक्स आई और वाई जे, आई के साथ आपका क्या पड़ा होता है, एक्स पड़ा होता है। तो आई के साथ ये जो है ये आपका एक्स हो गया, प्लस उसके बाद एक और टर्म लिखी हुई है कॉस टी प्लस साइन स्क्वायर टी जे प्लस। आप देखिए क्वेश्चन आपका थ्री डायमेंशनल में चला गया है, क्वेश्चन में आपका की कंपोनेंट भी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है पावर टी के साथ प्लस लॉग टी और ये आपका की कंपोनेंट। आपको कहा गया है फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब आपने इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। आप सब लोग अच्छे से जज कर चुके हैं कि हमने इसका क्या लेना है, पहला डेरिवेटिव, तो वो मैं आपको लेके दिखा देती हूँ। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो सबसे पहले आप d ओवर dt इस पे डेरिवेटिव अप्लाई किया और इस पूरी टर्म के ऊपर भी आपने क्या किया, डेरिवेटिव अप्लाई किया d ओवर dt। वैसे आप पहले स्टेप क्या कीजिएगा, पूरे के बाहर लिख लीजिएगा ऐसे, मैं यहीं पर लिख देती हूँ क्वेश्चन में ही, ऐसे आपने लिख लेना है। फिर फर्दर फर्दर इस पर अलग अप्लाई कर देना है, इस पर अलग और इस पर अलग, मैं यहीं पर अलग अलग कर रही हूँ। पहले हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया है t3 t स्क्वायर i कंपोनेंट, फिर इसका ले लिया है d ओवर dt cos t प्लस साइन स्क्वायर ओवर t साइन स्क्वायर t j कंपोनेंट, प्लस इसका भी डेरिवेटिव लेंगे d ओवर dt et log of t और k कंपोनेंट। अब आपने सिंपल जो वेरी बेसिक आपका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला है आपने वो लगाना है और इसको हल कर लेना है। इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे टी के रिस्पेक्ट से तो क्या आएगा आपका टी थ्री, कौन सा रूल लगेगा आपके पास, पावर रूल लगेगा डेरिवेटिव का, पावर जो थ्री है वो आपकी शुरू में आ जाएगी और पावर थ्री में से वन जो है सबट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पर फिर डेरिवेटिव आ जाएगा डी टी ओवर डी टी, तो वो तो वन हो जाएगा, वो मैं नहीं लिख रही हूँ। प्लस टी स्क्वायर है, पावर शुरू में आ जाएगी। ये तो बहुत ही आसान से फॉर्मूलाज हैं अगर आपने डेरिवेटिव अच्छे से रिवाइज किया हुआ है। टू शुरू में आ गया है, टू माइनस वन और ये आपकी आई कंपोनेंट की जो है डेरिवेटिव पूरा हो गया है। प्लस कॉज ऑफ टी, कॉज का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, साइन ऑफ टी आपके पास माइनस साइन ऑफ टी होता है। फिर साइन स्क्वायर ऑफ टी आपके पास क्या है, टू शुरू में आ जाएगा, पावर शुरू में, पावर में से एक कम करेंगे तो टू माइनस वन वन, तो पावर वन ही रह जाएगी साइन ऑफ टी। फिर साइन ऑफ टी का खुद का डेरिवेटिव आएगा तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज ऑफ टी और ये आपके पास क्या आ जाएगा, जे कंपोनेंट। इसी तरह थर्ड हमारे पास सिर्फ टर्म रहेगी, इसका डेरिवेटिव लेंगे, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन उसकी वही होती है, खुद ही होता है। तो ई ऑफ टी का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स आपके पास ई ऑफ टी आ जाएगा और लॉग ऑफ टी का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग ऑफ टी का डेरिवेटिव होता है वन ओवर टी, वन ओवर टी। और फिर अगेन टी का डेरिवेटिव मैं दोबारा से नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो डी टी ओवर डी टी आपके पास वन हो जाएगा, इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये डेरिवेटिव हो गया है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज वी हैव डन विद इट। डी आर ओवर डी टी आपके पास आ गया है वेलोसिटी
वेलोसिटी फाइंड करनी थी, वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 3t3 - 1 3t² 2t2 - 1, यानी कि 2 - 1 1, तो 2t ही बच जाएगा आपके पास, या आपके पास i कॉम्पोनेंट आ गया। इसको आप 2 sin t cos t को कैसे लिख सकते हैं, क्या फॉर्मूला होता है इसका, दिस इज व्हाट कॉल्ड साइन 2t। इसको आप वैसे पेपर में काफ़ी अच्छा इंप्रेशन होता है कि वैसे तो ये बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन आप फिर भी इनको साइड पे मार्कर से क्या कर लिया करें, हाईलाइट कर लिया करें, ठीक है। छोटे छोटे फार्मूलाज आएंगे, तो इसको आपने क्या लिख लेना है, वी नो दैट साइन 2t इज किसके इक्वल है, 2 sin t cos t। तो ये आपके पेपर को अच्छा इंप्रेशन जाएगा, ये आपने अलग से लिख लेना है। तो ये आपके पास आ गया साइन 2t, और ये आप माइनस साइन टी लिख लें, जे कॉम्पोनेंट प्लस et प्लस 1/2 k, ये आपके पास स्टूडेंट्स आ गया है वेलोसिटी। और इसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, वेलोसिटी का एक और डेरिवेटिव ले लेंगे इसी का, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो वो हम जल्दी से एक ही स्टेप में कर लेते हैं, उसको मैं डिटेल में नहीं करूँगी क्योंकि अब आपका थोड़ा सा डेरिवेटिव भी रिवाइज हो चुका है, तो इसको मैं कर रही हूँ एक ही स्टेप में। इसको देखिएगा, एक्सेलरेशन है आपके पास 3t² 3t² का डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर शुरू में आ जाएगी 3 2 6, और t² पावर कितनी रह जाएगी t की, 1, उसको मैं नहीं लिख रही हूँ, 2t, t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2, और i कॉम्पोनेंट साइन 2t, साइन 2t का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन 2t का डेरिवेटिव आएगा 2, यानी कि साइन 2t का आ जाएगा, मैं स्टेप के साथ थोड़ा सा लिख देती हूँ, कॉस 2t, और फिर 2t यानी कि एंगल का डेरिवेटिव जब हम ले रहे हैं तो 2t का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2, माइनस साइन ऑफ t का डेरिवेटिव क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा थोड़ी देर मूव कर देते हैं, आपके पास साइन t आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस टी जे, और ई टी का अगेन हमें पता है जितने भी डेरिवेटिव ले दें इसके डेरिवेटिव इसका वही रहेगा, और 1/t, 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/t, इसके लिए मैंने पावर रूल लगाया है, लेकिन थोड़ा सा स्टेप क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है। तो आपकी वेलोसिटी आ गई है, एक्सेलरेशन आ गई है। इसी तरह आपकी जो एक्सरसाइज है काइनेमेटिक्स की, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आपको 6 या 7 पार्ट सेम टू सेम ऐसे दिए हुए हैं, जो पोजीशन वेक्टर का वो चेंज कर दिया करेंगे, ठीक है। आई कंपोनेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देंगे, इसे ईजी भी कर सकते हैं, जे कॉम्पोनेंट के कॉम्पोनेंट। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस, आपको डेरिवेटिव लेने हैं, वेलोसिटीज फाइंड करनी है, दो सेकेंड डेरिवेटिव लेने हैं, और एक्सेलरेशन फाइंड करने हैं, दैट्स ऑल। चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो आप डिस्कशन में, जो हमारी डिस्कशन क्लास होगी उसमें पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इसमें से कोई भी बात पूछने वाली रह गई हो, और दैट्स ऑल। स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।